हे व्हाट इज अप टेकी पीपल, नमस्ते साइड। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 11 अमेजिंग फेसबुक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो शायद आपको ना पता हो। सो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइज, सो फर्स्ट ट्रिक जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, शायद आपको पसंद आए। तो वो ये है कि फेसबुक पे रोज बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनते हैं और हमको रोज बहुत से फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट आती हैं, स्पेशली गर्ल्स के जो कि लड़के यूज़ कर रहे हैं। और वो डीपी पे यानी प्रोफाइल पिक्चर पे कुछ ऐसी फोटोज लगाते हैं लड़कियों की जो कि मे बी कोई मॉडल हो, इतनी फेमस ना हो और हम उसको बाय फेस ना जानते हो। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अकाउंट फेक है या फिर नहीं? उसके लिए आपको वो डीपी को सेव करना है अपने फ़ोन में, उस पिक्चर को। फिर आपको जाना है गूगल पे, यानी जो गूगल का सर्च इंजन है, आपको जाना है पीसी से। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप फोन में जा सकते हैं क्रोम में और रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर सकते हैं। देन ऊपर से आपको जाना है इमेजेस में और वहां पे आपको एक कैमरे का आइकन दिखेगा सर्च बार में, उस पर क्लिक करना है आपको। उस फोटो को सेलेक्ट करना है जो हमने सेव की थी अभी, देन आपको सर्च पे क्लिक करना है और फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे दिखा रहा है कि ये जो पिक्चर है वो किसी राधिका सेठ नाम की है जो कि मे बी कोई मॉडल हो सकती है। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो एक्चुअली ट्रिक नहीं है, एक फीचर है जो आपके फेसबुक ऐप में है बट शायद आपको उसके बारे में नहीं पता है या फिर आप उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका नाम है नियर बाय फ्रेंड्स और इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने फ़ोन के लोकेशन सर्विसेज को ऑन करना होगा। देन आप चेक कर पाएंगे कि आपके लोकेशन के आसपास में कौन कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, देन आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं, कैचअप कर सकते हैं। और आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से फ्रेंड ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं किसी और सिटी में, तो उस पर्टिकुलर सिटी में वो किस लोकेशन पर हैं और बेसिकली कहाँ पर हैं, आप चेक कर सकते हैं इस यूज़फुल फीचर का यूज़ करके। और अगर आपको उनसे मिलना है तो साइड में जो हैंड का आइकन है शेक करने का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो अगर चाहेगा तो वो भी सेम चीज़ करेगा और फिर आप कैचअप कर सकते हैं, दैट मीन्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही यूज़फुल फीचर हो सकता है अगर आप इसे स्टार्ट करें यूज़ करना और ये आपकी फेसबुक ऐप में ऑलरेडी है। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो एक्चुअली यूज़फुल होगी उन लोगों के लिए जिनके पास जो फ़ोन है उसमें इतनी रैम नहीं है या फिर वो एक बजट फ्रेंडली फ़ोन है और आपको वो फेसबुक के जो हैवी ऐप्स हैं, मैसेंजर ऐप है, वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट भी निकली है ये वेबसाइट से कि फेसबुक ऐप जो है और मैसेंजर ऐप जो है वो आपके फ़ोन की सबसे ज़्यादा बैटरी और डेटा खाती हैं, यानी कि ईट करती हैं। और आप अगर आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल आप नहीं कर सकते हैं और सेव करना चाहते हैं डेटा को, तो आप कैसे सेव कर सकते हैं? एक ऐप है जिसका नाम है स्वाइप, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। स्वाइप ऐप है, 3 MB साइज़ की ये ऐप है जो आपको सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करेगी जो फेसबुक देता है आपको फेसबुक की ऐप में, जो कि बहुत ही हैवी है। और यहाँ पर आप इसी ऐप के अंदर से मैसेज भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी आपको मैसेंजर इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। इसी ऐप से आप मैसेज और सब कुछ बेसिकली पूरा फेसबुक आप यूज़ कर पाएंगे और अपने फोन का डेटा और बैटरी भी सेव कर पाएंगे। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे फेसबुक पे एक ब्लैंक स्टेटस पोस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको एक सिंपल सा छोटा सा कोड एंटर करना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एट ब्रैकेट करके कोड है, ये आपको एंटर करना है या फिर टाइप करना है वहाँ पे स्टेटस जहाँ से आप पोस्ट करते हैं वहाँ पे, एंड देन आपको सिंपली पोस्ट कर देना है और फिर जो स्टेटस है ब्लैंक स्टेटस पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे किसी फेसबुक पोस्ट को या फिर फेसबुक पे फोटो को, कुछ भी बेसिकली किसी फेसबुक पोस्ट को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं ताकि वो अपने आप पोस्ट हो जाए जो भी आपने टाइम सेट किया है। और आप कैसे किसी फेसबुक पोस्ट का एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, यानी कि कितने क्लिक्स आए हैं, लाइक्स आए हैं, एंगेजमेंट है लोगों की कितनी उस पोस्ट के रिगार्डिंग, जो कि आपको ये फीचर्स मिलते हैं। अगर आपके पास कोई फेसबुक पेज है तो आपको ये फीचर्स मिलते हैं बट एक नॉर्मल अकाउंट में आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो वो आप कैसे ला सकते हैं? आपको अगेन एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है बफर। अगेन बफर ऐप का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ऐप सिर्फ फेसबुक पे नहीं, ट्विटर पे भी काम करती है और भी काफ़ी जगह इंस्टाग्राम पे भी काम करती है। तो उसके बाद आप वहाँ से फेसबुक पे पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, आप फोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई जो भी बेसिकली फेसबुक की पोस्ट होती है वो आप रेडी कर सकते हैं। और फिर आपको टाइम सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है और फिर वो पोस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे पोस्ट हो जाएगी। आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, आप इंटरनेट कनेक्शन बंद कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है वहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि उस पोस्ट पर कितने क्लिक्स आए हैं, लाइक्स आए हैं, बाकी सब कुछ जो एनालिटिक्स है वो सब आप चेक कर पाएंगे। तो बेसिकली एक बहुत ही यूज़फुल ये ऐप है अगर आप फेसबुक को थोड़ा हैवी तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको काम आएगी।
जाएगी। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने फेसबुक लॉगिन्स, दैट मींस कि आपने कहाँ कहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है। अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट अपने फ्रेंड के फ़ोन में खुला छोड़ दिया है और आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके खुद के फ़ोन से ही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ओपेरा मिनी में अपना सेम अकाउंट खोल रखा है, तो अगर मुझे उसको लॉग आउट करना है बिना ओपेरा मिनी में जाए तो मैं आपको उसको कर सकता हूँ अपने फेसबुक ऐप के थ्रू भी। उसके लिए जाना है मुझे अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स में, अकाउंट सेटिंग्स में, देन सिक्योरिटी में, देन आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू आर लॉग्ड इन, वहाँ आपको क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आप सारे जो सेशंस हैं वो देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट खुला छोड़ रखा है। साइड में क्रॉस का आइकन है, एक्स का आइकन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर आप सिंपली लॉग आउट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स जहाँ से भी आपको करना है किसी भी फ़ोन से। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो बेसिकली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, उसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो ये है क्या, आप स्टोरी बना के कुछ पोस्ट कर सकते हैं स्टेटस अपने अकाउंट पे या फिर मैसेज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए कि आज मुझे किसी का फ़ोन मिला रोड पे एंड उसमें एक फेसबुक अकाउंट खुला हुआ था और उसका जो लिंक है वो ये है। तो आपको एक लिंक लिखना होगा वहाँ पे जो कि होगा facebook.com/profile.php?=, कुछ भी आपको रैंडमली वहाँ पे नंबर्स ऐड करने हैं जो आपका मन चाहे, और फिर कोई भी उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी खुद की प्रोफाइल खुल जाएगी। इवन अगर आप खुद भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी खुद की प्रोफाइल खुल जाएगी। तो बेसिकली जो सामने वाला बंदा है वो प्रैंक हो जाएगा कि वो सोचेगा कि मैंने ऐसा कब किया, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, राइट। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे अपने प्रोफाइल पे आपके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के टैग को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक के अलावा जो है स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी सब यूट्यूब एट्सेट्रा, तो वो सब आप कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, काफ़ी आपको जाना है अबाउट सेक्शन में, देन मोर अबाउट यू, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि कॉन्टैक्ट इन्फो का, वहाँ पे आपको एडिट करना है और फिर आप आपके जो फेवरेट सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पे आप यूज़ करते हैं, जो आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट वगैरह, उनके आपको यूज़र नेम एंटर करके सिंपल तरीके से देन आप जो टैब्स हैं या फिर जो आप कह सकते हैं टाइल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप कैसे किसी फेसबुक पोस्ट को या फिर फेसबुक पे लिंक को कोई भी कैसे उसे सेव कर सकते हैं फ्यूचर में एक्सेस करने के लिए। तो उसके लिए जो पोस्ट के साइड में एरो का आइकन है वहाँ क्लिक करना है आपको, और टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव पोस्ट का या फिर सेव लिंक का, व्हाटएवर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर वो पोस्ट जो है वो सेव हो जाएगी, आप उसे फ्यूचर में एक्सेस कर पाएंगे जल्दी से। तो शायद आपको इस सेव वाले बटन के बारे में पता हो बट आप इसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई पोस्ट हमें बहुत पसंद आती है और हम चाहते हैं कि इसे बाद में हम पढ़ पाएँ, बट ऑब्वियसली सारा टाइम तो ये आपके होम पेज पे नहीं रहेगी, जब पुरानी हो जाएगी तो दब जाएगी। तो आप ऐसे करके इसे सेव कर सकते हैं एंड देन जो राइट साइड में मेन्यू है वहां से आप इस पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपने सेव की है। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो थोड़ी सी बेसिक है, शायद आपको पता हो बट कुछ लोग अभी भी हैं जिनको वो पता नहीं है, तो वो ये है कि आप कैसे अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर जो वॉल होती है उसको लॉक कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स उस पर कुछ भी पोस्ट ना कर पाएं आपकी प्रोफाइल पे। तो उसके लिए जाना है आपको अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स में, देन टाइमलाइन एंड टैगिंग में, सबसे टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है हु कैन पोस्ट ऑन योर वॉल, वो फ्रेंड्स पे होगा, आपको उसको चेंज करना है ओनली मी में, ओनली मी पे बेसिकली, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स जो है बेसिकली कोई भी आपकी वॉल पे पोस्ट नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो बेसिकली यूजफुल होगी उन लोगों के लिए जो यूज करते हैं फेसबुक को अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में। तो एक एक्सटेंशन है क्रोम एक्सटेंशन जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, जिसका नाम है फ्लैटबुक। तो फ्लैटबुक एक्सटेंशन का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको अपने क्रोम ब्राउजर में और फिर आपका जो यूआई है, यूजर इंटरफेस फेसबुक देखने का, वो पूरा बदल जाएगा, थोड़ा सा और दिखने में अच्छा हो जाएगा। और आपको उसमें काफी ऑप्शंस भी मिलते हैं लेफ्ट साइड में, जो कि है एक है ऑप्शन वहां पे कि आपकी प्रोफाइल कौन कौन ऑफनली देखता है या फिर विजिट करता है वो आप चेक कर सकते हैं, और एक ऑप्शन है आर्टिकल्स रीड करने का, तो आप वहां पे आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं फेसबुक के अंदर से ही, और वो भी कैटेगरी वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी म्यूजिक टेक्नोलॉजी जो भी है आपकी। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे टेक, फिर मैंने सेलेक्ट किया टेक क्रंच जो वेबसाइट है मेरी फेवरेट, उसके बाद मैं आर्टिकल्स को रीड कर सकता हूँ अपने हिसाब से जो मुझे पढ़ने उनके लेटेस्ट।